जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री श्री रिजल्ट पर। आप सब लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपनी तैयारी ज़बरदस्त मेहनत और लगन के साथ कर रहे होंगे। तैयारी आपको ऐसी करनी है कि आपका सिलेक्शन पहली बार यानी इसी प्रयास में होना चाहिए, यानी इसी बार होना चाहिए। इसीलिए आपको जुड़े रहना है हमारे साथ। आज हम कुछ स्पेशल उन बच्चों के लिए बताना चाहते हैं जो अपना सपना पूरा करना चाहते हैं। उस सपने को पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा और किस तरीके से रणनीति बनानी होगी। जैसे एक बहुत ज़्यादा हायर स्टूडेंट करते हैं, यानी बहुत अच्छे विद्यार्थी करते हैं, तो उनको उनसे आपको लड़ने के लिए, अपनी कंपटीशन को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आज हम प्रॉपर एक नियम का पालन करेंगे और उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। देखिए, आज हमारे पास अब समय बहुत कम है। ये तो आयोग ने निश्चित कर दिया है कि 17 और 18 फरवरी को आपका परीक्षा होनी है। अगर आपको उस दिन परीक्षा देने जाना है तो आपको परीक्षा भवन में पहले क्या करना होगा, परीक्षा के बाद क्या करना होगा, और हमारी सेफ कट ऑफ कितनी जाएगी, हम कितने नंबरों से पास हो सकते हैं, ये सारा हम इसी वीडियो में बताएंगे। बस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और लास्ट में मैं इतनी अच्छी रणनीति के बारे में बताऊंगा, वो आपको ज़रूर देखनी है। देखिए, सबसे पहले पहली समस्या होती है कि स्टूडेंट के पास, हमारे पास परीक्षा हॉल में जाने से कम तीन समस्याएं ऐसी होती हैं जो सभी बच्चों को पता होती हैं, लेकिन वो उनका सही से पालन नहीं कर पाते। सबसे पहला कि आपके पास जो OMR मार्कशीट, जो OMR आएगी, उस पर आपको कैसे वर्क करना है। दूसरा, आपको अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, टाइम पर आप कैसे टाइम को मैनेज करोगे। तीसरा है, आपको किस क्वेश्चन पर कितना फोकस करना है, किस क्वेश्चन पर कितना फोकस करना है। किस क्वेश्चन पर कितना आपको फोकस करना है, ये सारा अगर आपको पता है तभी आप इस परीक्षा में सफल हो सकते हैं। क्योंकि आज अगर आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट, हम कम से कम 50 लाख फॉर्म पड़े हैं, और 50 लाख फॉर्मों पर आपको पता है कि इतने में दो कंडीशन बन सकती है। एक कंडीशन क्या होगी और दूसरी कंडीशन क्या होगी। पहला, या तो जो होगा हमारा कट ऑफ, जो कट ऑफ होगी हमारी, या तो बहुत ज़्यादा जाएगी, मैक्सिमम जा सकती है, या तो एक मीडियम रहेगी यानी मिनिमम हो सकती है, यानी निश्चित एवरेजन रह सकती है, ज़्यादा नहीं, एवरेज हो सकती है, एवरेजन आ सकती है। यहाँ पर अगर स्टूडेंट आप देखोगे तो कहोगे अरे बहुत स्टूडेंट हैं सब। अगर आप इतना सोच कर रहोगे तो आप परीक्षा निकाल नहीं सकते हो। आपको स्टूडेंट नहीं देखने हैं। यहाँ पर देखिए, भीड़ तो बहुत है, लेकिन उस भीड़ में आपको क्या पता है कि सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रियल स्टूडेंट हैं, जो वास्तव में तैयारी करते हैं। अगर आपने साल 2 साल, महीने 2 महीने वाला स्टूडेंट और 1 साल 2 साल तैयारी करने वाला स्टूडेंट में अंतर तो कुछ होगा। आप अपने आप में झांक कर देखो कि हम क्या हैं और हमें कितना एफर्ट की ज़रूरत है, हमें कितने कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, हमें किस तरीके से अपने आप को बनाना है कि हमें सिलेक्शन लेना है। तो उसके लिए आपको ये हमारे पास कुछ सब्जेक्ट के बारे बताया गया है कि हिंदी आपकी अच्छी है और रीजनिंग अच्छी है, तो समझ लीजिए आपका सिलेक्शन किसी भी प्रकार से नहीं रुक सकता है। क्योंकि आपको हिंदी में अगर आप 37 क्वेश्चन हैं, तो 37 में अगर आपने, सपोज दैट 37 में आपने अगर क्वेश्चन 30 कर लिए, कितने 30 क्वेश्चन सही कर लिए, क्वेश्चन ही मैं बता रहा हूँ, मार्क नहीं, क्वेश्चन आपने 30 सही कर लिए, और जीके जीएस में आपने 38 में से 20, कम से कम 20 तो करने ही होंगे,
और रीजनिंग में आपने 45 समथिंग, कम से कम 45, 55 में आप 45 करके आना है। और गणित में आपको होती तो 38 की गणित, लेकिन आती 20 की है, बाकी उसमें रीजनिंग में पहुंच जाती है। यहाँ पर अगर आपका गणित नहीं अच्छा है, यानी एवरेज है, तो आपको इतना तो करना पड़ेगा। अगर आप इतना करते हैं तो 50 तो यहाँ से हो गए, फिर यहाँ पर आप 50 हैं, 50 10 60 हो गए, 60 और 10 60 और 40 100, 105 हो गए समथिंग। 105 आपने क्वेश्चन सही कर लिए हैं, सपोज दैट आपने 105 सही कर लिए हैं, तो आपके मार्क कितने हो जाएंगे? तो देखिए इसका दुगना करोगे यानी कितना हो जाएगा, 100, 210, 210 आपके हो जाएंगे। 210 बहुत अच्छे हैं। अगर आपके 210 प्लस हैं और 300 में से, तो आप देखिए कट ऑफ में सेफ हैं। क्या है? सेफ हैं। यहाँ से तो आपकी किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन प्रॉब्लम हमें क्या है, परीक्षा हाल में समस्याएं क्या होती हैं, हमें किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना है, उसके लिए हमने पिछली एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है देख जरूर लेना। देखिए आपको हिंदी पर और जीएस पर ज़्यादा समय देना है। हिंदी में अगर आपने समय सही से लगा लिया, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, 10 मिनट का आप मैनेज करोगे, और जीएस में भी आप 10 मिनट यानी 20 मिनट, और बाकी बचे जो हमारा पास समय यानी 150 मिनट होंगे, अगर 20 यहाँ पर खर्च कर लिए, बचे कितने हमारे 130, 130 में भी 20 खत्म हो जाएंगे कॉपी और ओ मार्कशीट भरने में, तो आप समझ लीजिए आपके पास 90 मिनट बचे हैं। तो 90 मिनट में आपको क्वेश्चन कितने करने हैं, 65 क्वेश्चन करने हैं, तो आप आराम से कर सकते हो। टाइम का सही मैनेज करना है, अपने क्वेश्चन सही करने हैं, किस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, तो आपको हिंदी पर और दूसरा जीके पर और तीसरा रीजनिंग पर, इन तीनों पर अगर आपकी सबसे अच्छी पकड़ है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर कट ऑफ की बात करें, सेफ कट ऑफ आपका अगर 210 प्लस है, सपोज दैट आपके 210 से अगर 300 में से 210 आ गए, बहुत है, इतना कट ऑफ जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट तो बहुत है, लेकिन रियल में वो पढ़ने वाले नहीं है। ऐसे भी हैं जिन्होंने फार्म डाल दिए हैं और बस फार्म डाले हैं, उन्होंने एक संख्या बढ़ाई है, आपकी सीट नहीं हटाई है। सीट को वो हटाने के लिए उन्हें ज़रूरत थी, कंपटीशन की तैयारी सही, उनकी तैयारी नहीं होगी, सह उनका समय नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें उन्हें एज रिलेक्शन मिला यानी 3 साल का, लेकिन उन्होंने क्या पता तैयारी की है नहीं की है, वहाँ से भी वो हट जाएंगे। तो आपकी फाइटिंग मुश्किल से एवरेजन ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 लाख ऊपर अच्छे स्टूडेंट के होगी, वहीं से आपको अपना लेना है सिलेक्शन। तो आपको कितने पर वर्दी हो जाएगी, तो जैसा कि मैंने बता दिया, अगर 210 प्लस होंगे, ये नहीं 209 अगर आपके हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए, तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि 209, 209 से कम नहीं होना चाहिए, 211 हो जाए ये सही है, लेकिन 209 से कम नहीं होना चाहिए, ये बात आप ध्यान रखिए। आपको सिलेक्शन लेने के लिए सिर्फ क्या करना होगा, सबसे पहले आपको हिंदी के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा करने होंगे, फिर दूसरे होंगे रीजनिंग के, और रीजनिंग के भी क्वेश्चन, फिर उसके बाद आपको जीके और जीएस, और फिर मैथ में आप को फोकस करना होगा। हिंदी में आपको हमने जैसा बताया कि आप अगर अच्छे 37 में से आपको कम से कम 30 तो करके लाना ही है हिंदी में। रीजनिंग की बात है, 55 है, 55 में से आपको वास्तव में रियल स्टूडेंट है तो 45 करने ही होंगे, और यहाँ से आप 20 प्लस करना, और मैथ में आप 10 कर लेना, इतना ही बहुत है। तो इस तरीके से आपको तैयार करना है, ये नहीं कि आपको सर ने बता दिया कि आपको इतने ही करने जाने हैं, इससे ज़्यादा भी कर लीजिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, और कम अगर रखा तो आपका समझ लीजिए थोड़ा सा डिसबैलेंस हो सकता है, लेकिन मेरी
अकॉर्डिंग कट ऑफ तो यहीं पर इर्द गिर्द रहेगी, आगे या पीछे। और आपको अपने आप में कतई ऐसे रिलैक्स होकर अपनी तैयारी कीजिए और रिलैक्स होकर अपना पेपर दीजिए। किसी प्रकार से कोई भी आप डर मत अपने माइंड में रखिए कि हाँ बहुत स्टूडेंट है और बहुत कठिन पेपर होगा, ये ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्तों। आयोग चाहता है कि सिलेक्शन हो, अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे स्टूडेंट मिले और उन्हें अच्छे कर्मचारियों की ज़रूरत है। और आपको अपने एक पद की ज़रूरत है, आपको अपना एक सीट लेनी है, तो उस सीट को कायम करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी सी रणनीति अपनाइए, सही मायने में ये मत रखिए कि आपका सर कट ऑफ इतना ही रहेगा यानी 210 ही है, ये ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, लेकिन आप इतने में एवरेज हो जाओगे, अच्छा होगा। बस लगे रहिए मेहनत के साथ और जुनून के साथ, तैयारी कीजिए जबरदस्त, और आखिरी समय है, बहुत अच्छे से प्रयास कीजिए। अगर आप प्रयास नहीं करते फिर वही बात होगी, सरकार 5 साल बाद एक बार पद निकालती है और उन फिर आप क्या करेंगे, फिर से उतना ही पीछे चले जाएंगे। इसीलिए आप एफर्ट लगाइए, अपना अच्छी से तैयारी कीजिए, अपने आप को सफल बनाइए। सभी दोस्तों के लिए मैं यही कहूँगा कि आप इतने से ज़्यादा ही नंबर लाइए और रिलैक्स होकर अपनी तैयारी कीजिए और रिलैक्स होकर अपनी पेपर देने जाइए। और परीक्षा हाल में जाने से पहले थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अपने धैर्य और साहस के साथ पेपर दीजिए। सभी बच्चों का भला होगा, उन बच्चों का जो सबसे ज़्यादा मेहनत किए हैं और सबसे ज़्यादा लगन से लगे हैं। बस आपको वर्दी मिलेगी, बस हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना ध्यान रखिए, और अपने ध्यान के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखिए। आपको कहाँ पर क्या चीज़ कमज़ोर है उस पर सब फोकस कीजिए। बस इतना ही, आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों और साथियों के लिए नमस्कार, जय हिंद।